दोस्तों नमस्कार, एसएससी जोन में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार को डिटेल्ड में। ये टॉपिक हमारा भारतीय कला एवं संस्कृति का है और भारतीय कला एवं संस्कृति में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों में जो अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कार हैं उनकी। आज हम बात करेंगे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, कौन कौन से। एक पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार। आगे हम अन्य पुरस्कारों की जैसे सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है, गोयनिका है, या केदारनाथ है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या इसी प्रकार के जो अन्य अलग अलग संस्थानों के द्वारा, अलग अलग फाउंडेशंस के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि वो बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। कौन कौन से दो होते हैं, वो होते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। उनको जानने से पहले हम जानेंगे ज्ञानपीठ न्यास क्या है या इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, इसकी स्थापना हुई श्री साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन के द्वारा। कब हुई, 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई। जो इसके संस्थापक हैं श्री साहू शांति प्रसाद जैन, इनका 50वां जन्मदिन था 1961 में। तब इन्होंने और इनकी जो फैमिली है, इन्होंने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा संगठन बनाया जाए, कुछ ऐसा न्यास स्थापित किया जाए जो कि देश के साहित्य को प्रोत्साहित करे और उसको सम्मानित करे और जो देश के साहित्य की स्थिति है उसको एक नए आयाम पर लेकर जाए। वर्तमान में यह न्यास जो है साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है और जो साहित्य के दो सर्वोच्च पुरस्कार कहे गए हैं, ज्ञानपीठ और मूर्ति देवी, ये दोनों पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 1965 में जो है वो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका क्रम जो 65 की अगर बात करते हैं, क्योंकि स्थापना हो गई थी 61 में, लेकिन जब न्यास बना फिर उस पर चर्चाएं हुई, संगोष्ठियां हुई, लोग जुड़े और ऐसे करते जो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया वो 1965 में। ये हो गई बात भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की। इसके अंतर्गत जो दो पुरस्कार हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसको भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कहा जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये अभी हमने बात की, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा, जिसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन है। स्थापना हुई इसकी 1961 में, पहला पुरस्कार मिला 1965 में। बात करते हैं कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई या ये ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई, उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो प्रोत्साहन राशि थी, जो पुरस्कार राशि थी, वो 1,00,000 रुपए थी। वर्तमान में कितनी है, 11,00,000 रुपए। ये समय समय पर बदलती रही, समय समय पर बढ़ती रही। 1961 में ये 1,00,000 रुपए थी। बाद में 2005 में यह पुरस्कार राशि 7,00,000 रुपए हुई और 2011 में, सॉरी, जो 11,00,000 है ये वर्तमान में, 2005 में ये चेंज हुई और फिर 11,00,000 रुपए फाइनल अभी जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 11,00,000 रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र, एक माँ सरस्वती जिनको वांग देवी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से जब इस सम्मान की बात की जाए तो ये वांग देवी की कांस्य की प्रतिमा भी साथ में प्रदान की जाती है। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं जो है भारत की वो सम्मिलित है, उल्लेखित है। उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में कोई भी लेखक जो अपनी एक अलग साहित्यिक छवि पेश करता है उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात करें कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1965 में वो मिला मलयालम के लेखक शंकर कुरूप को, और सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले रचनाकार थे, ये आपको याद रखना है।
पहला पुरस्कार किस भाषा में मिला था? मलयालम में। और हिंदी में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को। बात करते हैं 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कि 53rd ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यह मिला कृष्णा सोबती जी को। कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हिंदी की 11वीं रचनाकार है। अब हिंदी में कुल इसके पहले कितने लोग थे जिनको यह सम्मान मिल चुका था? वो 10 लेखक थे, और कृष्णा सोबती जी जो हैं ये 11वीं हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। हिंदी में अगर अन्य लेखकों की बात करते हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो महत्वपूर्ण है, उनमें पंत, दिनकर, अज्ञेय, माधवी वर्मा, ये महान बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो ये बात हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अब अगर बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है, वह मूर्ति देवी पुरस्कार। ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कहा जा सकता है जो ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है, और यह वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जिसका मुख्य जो केंद्र है वो है भारतीय दर्शन व संस्कृति के लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं लेखक, उनको मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो 4,00,000 रुपए, साथ में एक माँ सरस्वती की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो बंगाली लेखक जॉय गोस्वामी उनको प्रदान किया गया, और जॉय गोस्वामी को जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया, 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार ये प्रदान किया गया, उनकी जो कृति थी, उनकी जो किताब थी डू डोंड्रो फोवारा मात्रो, इसके लिए यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। बात करें कि मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विजेता कौन थे या प्रथम लेखक कौन थे, तो वो थे सी के नागराज राव हैं, उन्होंने सर्वप्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार हासिल किया था। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा और अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार था मूर्ति देवी पुरस्कार। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण अवार्ड की चर्चा करेंगे, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, या इसी से संबंधित जो बिहारी पुरस्कार है और वाचस्पति पुरस्कार, बहुत लंबी लिस्ट है, उन सबको हम डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों का वो दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट अगर आपने देखा, आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जो कला एवं संस्कृति के ही अन्य वीडियोस प्राप्त करने के लिए जो कि डिटेल्ड है, मुख्य रूप से यूपीएससी और यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी है उन पर आधारित है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल के लास्ट में जो ये बॉक्सेस बन के आ रहे हैं उनमें से भी आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।